नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, टाइगर थ्री के बारे में जो ट्रेलर कल लॉन्च हुई है उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ कहा। मेरा ट्रेलर रिव्यू भी आया, मैंने ट्विटर पे भी लिखा, फिर मैंने कल स्पेस भी अटेंड किया। मुझे क्या लगता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ट्रेलर और माई वीडियोज़ आर देयर फॉर यू टू सी एंड एक्नॉलेज। और लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कोई ज्ञान नहीं देने वाला, मैं अपने दोस्तों को लेके आया हूँ इस वीडियो में। माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड एग्जिबिटर्स, जो कि आपको बताएंगे, जो अपना पक्ष रखेंगे, दे विल टेल यू देयर साइड ऑफ द स्टोरी कि उनको टाइगर का ट्रेलर कैसा लगा, डिड दे लाइक इट। और ये ऐसे सिनेमा मालिक हैं जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, ये ग्रास रूट एग्जिबिटर्स हैं और ये छोटे छोटे शहरों में मतलब सिनेमा चलाते हैं, सिंगल स्क्रीन चलाते हैं और मल्टीप्लेक्स भी चलाते हैं। तो इनसे जानेंगे कि टाइगर का ट्रेलर कैसा लगा, इनकी क्या उम्मीदें हैं। और ये एग्जिबिटर्स हैं अक्षय राठी, अभिषेक गुप्ता, सत्यदीप साह। तो आज के लिए इन लोगों को देखिए और इनकी बातें सुनिए। आगे और ऐसे जो मेरे एग्जिबिटर दोस्त हैं, मैं उनकी वीडियो भी आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद। जो टाइगर फ्रेंचाइज है यशराज के स्पाई यूनिवर्स का, वो मेरे ख्याल से देश के जितने भी एक्शन फ्रेंचाइजेज हैं उनमें से सबसे लोकप्रिय जो कुछ है उनमें से एक है। सलमान खान एक मास एंटरटेनर्स के बादशाह हैं हमारे देश में, और उनके अलावा अगर आप देखें तो इमरान हाशमी भी जो मास एंटरटेनर स्पेस होती है उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा उमदा फिल्में बनाई हैं और बहुत ज्यादा एंटरटेन किया है बहुत बड़े दर्शकों की जनसंख्या को। उसके अलावा कटरीना कैफ का जो कैरेक्टर है इस फ्रेंचाइज में, वो भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह का ट्रेलर हमने देखा है, इसमें जो प्रोडक्शन वैल्यूज देखे हैं, जो एक्शन सेट पीसेस देखे हैं, जो एंटरटेनमेंट पोर्शन देखा है, वो देख के मुझे कोई शक नहीं है कि ये दिवाली देश के जितने भी एग्जिबिटर्स हैं, देश के जितने भी यशराज से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यशराज के लिए और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए ये दिवाली बहुत यादगार रहने वाली है, मनोरंजन से भरपूर रहने वाली है। तो पूरा यकीन है मुझे कि ये फिल्म देश की जो हिंदी सिनेमा की जो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स रही है आज तक, उनमें इसका नामांकन पक्का इस दिवाली के बहुत जल्द बाद हो जाएगा और एक बहुत खुशी की लहर आएगी पूरे इंडस्ट्री में, जो मेरे ख्याल से जवान के बाद फिर से उस तादाद में हम ऑडियंस सिनेमाज में देखेंगे, इस फिल्म को सहराते हुए, फिल्म को सेलिब्रेट करते हुए देखेंगे। उसकी जो खुशी होती है वो हम एग्जिबिटर्स के लिए सर्वप्रथम होती है और ये देखने का हम सभी को इंतजार है। नमस्ते, मैंने देखा है टाइगर थ्री का ट्रेलर, भरपूर एक्शन एंड मसालेदार ट्रेलर है, अच्छा लग रहा है। सलमान खान की एक बड़ी कमबैक हो जाएगी ये पिक्चर से एंड आई होप दैट इट ब्रेक्स ऑल द रिकॉर्ड्स, ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ सलमान खान एंड पिक्चर अच्छा चले, हाउसफुल चले, यही चाहता हूँ। एंड मुझे तो ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त लगा, इम्पैक्टफुल डायलॉग एंड अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस इमरान हाशमी का भी अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट। देखने के लिए वेट कर रहा हूँ टाइगर थ्री। हाय गाइस, अभिषेक दिस साइड फ्रॉम संजय सिनेप्लेक्स मोतिहारी। तो कैसा लगा मुझे टाइगर थ्री का ट्रेलर? इट्स आउटस्टैंडिंग। और ट्रेलर में वो सब कुछ है जो कि एक सलमान खान की फिल्म से एक्सपेक्ट किया जाता है, लाइक एक्शन, बड़े कैनवास की पिक्चर लग रही है और यू वॉन्ट बिलीव कि अभी से ट्रेलर आने के बाद से इंक्वायरी शुरू हो गई है कस्टमर्स की, पब्लिक पूछ रही है हमारे सोशल मीडिया साइट्स पे या फिर काउंटर पे कि टिकट्स कब से बुक होंगी, टिकट कब से एडवांस कब से खुलेगी। तो ये काफ़ी रेयर है, काफ़ी कम पिक्चर के साथ होता है जो कि इस साल गदर 2 और पठान में एक्सपीरियंस किया गया है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल की दिवाली ज़बरदस्त हो, हम एग्जिबिटर्स के लिए भी, पब्लिक के लिए भी। बाकी ट्रेलर की मैं बात करूं तो ट्रेलर में वो सब कुछ दिखा दिया है जो कि एक मसाला पिक्चर, एक वायरफ यूनिवर्स जो स्पाई यूनिवर्स बना रही है उससे एक्सपेक्टेशन रहती है। लाइक सबसे बड़ा फैक्टर तो मुझे जो मेरा पर्सनल एक्स फैक्टर लगा मूवी का, जो कि बाकी वे स्पाई यूनिवर्स पठान में भी था, जो विलन का फैक्टर, विलन काफी कूल दिखा रहे हैं इनके पिक्चर्स, जैसे पठान में जॉन अब्राहम और इसमें इमरान हाशमी। तो इमरान हाशमी बहुत ही एक्स फैक्टर हैं जो कि काफी सलमान खान को टक्कर देंगे इस मूवी में। और कटरीना कैफ है जिनका एक्शन भी एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। बाकी इंडिया पाकिस्तान का एंगल दिखा दिया और रॉ ISI का एंगल दिखा दिया। तो ट्रेलर में ऑलमोस्ट सब कुछ है एंड एक बिग सरप्राइज है लोगों के लिए जो कि ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि शाहरुख खान भी है इस मूवी में, तो वो एक अलग फैक्टर हो जाता है मूवी को पुश करने के लिए, इनिशियल्स के लिए। तो ऑल इन ऑल
और एक बड़ी ब्लॉकबस्टर हम लोग को दिख रही है इस साल की, और मैं समझता हूँ कि ये सबके रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, शायद पठान की भी तोड़ दे, गदर 2 की भी तोड़ दे, और अभी हाल ही में जो जवान चल भी रही है अभी भी उसकी भी तोड़ सकती है, डिपेंड करता है कॉन्टेंट पे, बट इनिशियल तो ज़बरदस्त लगने वाली है। सबकी दिवाली बहुत अच्छे से जाने वाली है, हमारी एग्जिबिटर्स की भी एंड कस्टमर्स की भी, क्योंकि रिटर्न गिफ्ट सलमान खान कस्टमर्स को भी दे रहे हैं, पब्लिक को भी दे रहे हैं।